फाइनल हम बात करेंगे यहाँ पे हैमिंग कोड फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की। अब हम बात करें हैमिंग कोड की, पहले हमने बात की थी हैमिंग डिस्टेंस की, अब हम बात करें हैमिंग कोड की। तो हैमिंग कोड जनरली हम यूज करते हैं एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट याद रखना, अगर 7 बिट का हैमिंग कोड है तो उसमें 4 बिट मेरी डेटा के लिए और 3 बिट पैरिटी के लिए। देखो काफी यहाँ पे आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेट 50% हम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि बाकी की पैरिटी बिट तो मेरी क्या है, रिडंडेंट ही होती है। लेकिन फिर वही बात है, डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब ऐसी अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये मेरे पास जो है वो कौन कौन सी डेटा बिट होती है, कौन कौन सी पैरिटी। तो ये देखो मेरे पास 7 बिट का कोड है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब देखो कौन सी डेटा बिट और कौन सी पैरिटी, उसके लिए हम यूज करते हैं 2^n फॉर्मूला, वेयर n इज 0 1 2 3 इस तरीके से। तो देखो 2^0 1, तो यानी मेरी जो फर्स्ट पोजिशन है वो पैरिटी है। फिर 2^1 1 मतलब 2, तो 2 जो वाली पोजीशन है वो भी मेरी पैरिटी है। फिर 2^2, बस सिंपली आपको पुट करते जाना है, 2^2 2^3, तो 2^2 क्या हो गया 4, यानी ये मेरी पैरिटी है। 2^3 8 यहाँ पे है नहीं, अगर होता तो वो भी मेरी क्या होती, पैरिटी होती। ये पॉइंट बस इस तरीके से याद रखना। तो बाकी बची हुई क्या है, डेटा। तो देखो इसने P0 P1 P2, ये 3 पैरिटी होगी, और D0 D1 D2 D3 ये मेरी क्या होगी, डेटा बिट्स, इस तरीके से होगी। ऐसी अगर मैं 11 बिट का कोड ले लूं, 11 बिट के कोड में आपकी जो है यहाँ पे 4 मेरे पास क्या हो गई, यहाँ पे 4 मेरे पास पैरिटी बिट हो गई और बाकी की सारी क्या है, डेटा बिट्स है। तो देखो कैसे पता लगेगा कौन सी पैरिटी और कौन सी डेटा, पोजीशन देखो 2^0 1 वाली मेरी क्या है, ये मेरे पास पैरिटी है, ये मेरे पास पैरिटी है, R1 R2 ये पैरिटी है, R4 पैरिटी है फोर्थ पोजीशन पे, फिर 8th पोजीशन पे आएगी पैरिटी, फिर 16 पे आएगी, लेकिन 16 इसमें है नहीं क्योंकि 11 बिट का कोड है। तो बाकी मेरे पास क्या है, डेटा बिट्स है। बाकी देखो सारी क्या है, डेटा बिट्स मैंने यहाँ पे ले ली। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं, अब बस सिंपली आपको डेटा को उठाना है। अब डेटा, लेट्स से मेरे पास कोड है यहाँ पे 1010, गेटिंग द पॉइंट, 1010 मतलब यहाँ पे मेरे पास डेटा इस तरीके से है 1010। मैं कलर चेंज कर देता हूं, जैसे देखो ये मेरे पास यहाँ पे 1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 0, आई थिंक सबको विजिबल हो रहा होगा, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, 0 है। बस डी वाले, D3 में मैंने 1 लिख दिया, D2 में 0, D1 में 1 और D0 में 0, गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि ये मेरी MSB है, ये LSB, तो मैंने MSB LSB के हिसाब से इसको लिख दिया। अब देखो P0 कैलकुलेट कैसे करना है, P0 पैरिटी कैसे कैलकुलेट होगी, ये रहा फॉर्मूला। P0 कैलकुलेट करने के लिए आपको D1, D0 और D3 के बीच में XOR करना है। कैसे पता लगेगा, P0 आपने कैलकुलेट करनी है, आप कह सकते हो तो पहली पैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो पहली पैरिटी के लिए पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, इस तरीके से आपको ऑड नंबर ऑफ बिट उठानी है। तो जैसे ही आप ऑड नंबर ऑफ बिट ये वाली उठाओगे, तो D3, D1, D0 आप जब उठाओगे, तो D3, D0 और D1 उठाओ, ये D0 कहां है, ये रही 0 1 1 0 1 1, क्या आंसर आया, 0 1 और 1, ये आंसर आया। अब देखो 0 1 और 1, ये क्या है मेरे पास, ये ऑलरेडी मेरे पास इवन पैरिटी है। अगर हम इवन पैरिटी को यूज करें, ऑड को ये भी आपको दिया होगा, लेट से हम इवन पैरिटी को यूज कर रहे हैं, या आप कह सकते हो यहाँ पे एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो 0 XOR 1 क्या होता है, 1 होता है, और 1 XOR 1 क्या होता है, 0 होता है, तो यानी मेरा आंसर क्या आएगा, 0, यानी P0 में मेरे पास 0 बिट आ गई, गेटिंग द पॉइंट। ऐसे ही मैं P1 कैलकुलेट करूंगा, P1 कैलकुलेट करने के लिए आपको D0, D2 और D3 ये उठानी है। कैसे पता लगेगा, P1 मतलब सेकंड वाली आपको पैरिटी उठानी है, तो सेकंड और थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ को छोड़ दो, सिक्स और सेवंथ वाली उठा लो, 8, 9 को छोड़ दो, इस तरीके से आपको 2 उठानी है, फिर 2 छोड़नी है, 2 उठानी है, 2 छोड़नी है। ऐसे जब आप P2 कैलकुलेट करोगे, P2 कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पे, तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 4 को उठाओ, फिर 4 को छोड़ दो, 4 को उठाओ, 4 को छोड़ दो, इस तरीके से बस आपको ये कैलकुलेट करनी है। तो पैरिटी जब आप कैलकुलेट कर लोगे, तो पैरिटी वाली वैल्यूज पे आप उसको डाल दो। जैसे ऐसे हमने आपने यहाँ पे P0 को कैलकुलेट किया, फिर आप P1 को कैलकुलेट कर लेना। P1 को कैसे कैलकुलेट करोगे, उसमें D3, D2 और D0, D0 क्या है, 0 और 0 1 0 0 1, यानी इसके बीच में अगर आप करोगे तो मेरे पास यहाँ पे 1 आएगा, तो यानी मेरा P1 क्या आ गया, 1 आ गया, गेटिंग द पॉइंट। ऐसे ही आप P2 कैलकुलेट कर लो, P2 के लिए आपको क्या करना है, ये वाला P2 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे हल्का सा इरेज कर देता हूँ, ये रहा, गेटिंग द पॉइंट।
P2 के लिए आपको क्या करना है, ये वाली तीन बिट्स उठानी है और इनके बीच में XOR करना है, तो वो आपकी P2 वाली बिट जो है वो आ जाएगी। बस ये मेरा पूरा का पूरा कोड बन जाएगा। जैसे मैंने नीचे वाले एग्जांपल में भी यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो 11 बिट का मेरे पास कोड है, इसमें अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज उठाई तो ये मेरी पूरी की पूरी क्या बन गई, कोडवर्ड। ये मेरा पूरा का पूरा कोडवर्ड बन गया। तो इस कोडवर्ड को हम क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो इस कोडवर्ड को हम सेंड कर देंगे, तब जाके आपका एरर जो है वो इस तरीके से डिटेक्ट होगा। अगर कुछ भी एरर आया, कुछ भी अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आई, तो आपका जो है वो ये एरर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि जो मेरा रिसीवर है वो भी सेम यही फंडा यूज करेगा। रिसीवर भी क्या करेगा, सेम यही फंडा यूज करेगा, इसी तरीके से पैरिटी कैलकुलेट करेगा और उसको पता लग जाएगा कि कहां पे कोई प्रॉब्लम अकर हुई है। ये देखो छोटा सा मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं। अब मैं बताता हूं आपको कि डिटेक्ट कैसे करना है। करेक्ट तो हो गया, अब मैं आपको बताता हूं डिटेक्ट कैसे करना है। इस वाले एग्जांपल में बताता हूं, नीचे वाले में। ये देखो, ये मेरे पास था डेटा वर्ड्स। डेटा में क्या है वैल्यू, 1 0 0 1 1 0 1 1। गेटिंग द पॉइंट? अब मुझे कैलकुलेट क्या करनी है, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे R1 मतलब पैरिटी 1 कैलकुलेट की, फिर पैरिटी 2, पैरिटी 4 और पैरिटी 8 कैलकुलेट की। कैसे की? ये देखो वही फंडा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, R1 के लिए ओड उठा लो, R2 के लिए 2 3, 4 5 छोड़ के 6 7, 8 9 छोड़ के 10 11, इस तरीके से R4 के लिए 4 5 6 7, 8 9 10 11 छोड़ दो, 12 13, यहाँ पे 12 13 है नहीं, तो उसको उठा रहे थे, 12 13 14 15, और 8 के लिए 8 9 10 11 12 13 14 15, पूरी 8 की 8 उठानी है। लेकिन अब इसमें कोड ही 11 बिट का, तो आप ये वाली 4 उठा के कैलकुलेट कर लो। तो देखो इसने किया क्या, ये सारी वैल्यूज उठा के इसने कैलकुलेट कर लिया और ये मेरा कोड वर्ड आ गया। अब देखो लेट्स से रिसीवर एंड पे, लेट्स से ये 9th बिट है ना, जो 9th बिट 0 है, ये मैंने 1 कर दी, 9th बिट को मैंने जानबूझ के 0 से 1 कर दिया। अब रिसीवर ने इसको उठाया, अब जैसे ही रिसीवर इसको उठाएगा वो पहले तो डिटेक्ट करेगा, जैसे ही डिटेक्ट करेगा वो दोबारा से इन्हीं चारों को उठा के, मतलब ये जो कोड मैंने यहाँ पे दिया है इसी को दोबारा से उठाएगा, कैलकुलेट करेगा पैरिटी, तो पैरिटी ऑब्वियसली मैच नहीं करेगी, तो उसको पता लग जाएगा कि एरर है। अब करेक्ट कैसे करना है, करेक्ट करने के लिए करेगा क्या, वो पहले R1 कैलकुलेट करेगा। जैसे उसने R1 कैलकुलेट की, तो जब आप R1 कैलकुलेट करोगे ना, कौन कौन सी वैल्यू उठाओगे, 1 3 5 7 9 11, जब आप ये सारी वैल्यू उठाओगे ना, 1 3 5 7 9 11, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, गलत आंसर आएगा। गलत आंसर का मतलब क्या है कि देखो मैं आपको एक करके दिखाता हूं, 1 3 1 कौन सी है, ये वाली 1 3 5 7 9 और 11। गेटिंग द पॉइंट? अब मैंने 9th बिट को जानबूझ के क्या किया हुआ है, 1 किया हुआ है, ताकि वो मेरे को पता लग जाए कि ये एरर अक्कर हुआ है। अब देखो इन सबको उठा लो, इनमें वैल्यूज क्या है, 1 1 1 एक्सोर 1 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 0 एक्सोर, यहां पे आप 0 एक्सोर 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 1 एक्सोर 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 एक्सोर 0 करोगे तो आंसर 1 आएगा, 1 एक्सोर 1 करोगे तो आंसर 0 आएगा, 0 एक्सोर 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। गेटिंग द पॉइंट? तो जैसे ही आंसर मेरे पास 1 आया, यहां पे मैंने पैरिटी चेक की, पैरिटी चेक करेंगे तो आंसर मेरे पास क्या आया, 1 आया। एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, यहां पे 11th बिट मेरे पास क्या है, 1 है, 9th बिट यहां पे मेरे पास क्या है, 1 है, 1 मैंने कर दी जानबूझ के, 7th बिट मेरे पास क्या है, 1 है, 5th बिट मेरे पास क्या है, 0 है, 3rd बिट मेरे पास क्या है, यहां पे 1 है, और 1 वाली बिट मेरे पास क्या है, यहां पे 1 है। तो देखो यहां पे मेरे पास नंबर 1 कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यानी मेरे नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, यहां पे 5 आ रहे हैं, नंबर ऑफ वंस मेरे पास क्या है, 5 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ वंस 5 अगर आ रहे हैं तो यानी ये तो गड़बड़ है यहां पे, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है, मैं तो इवन पैरिटी पे काम कर रहा हूं, तो इवन पैरिटी कैसे होगी, यानी ये बिट में तो 0 होना चाहिए था तभी इवन होती, यानी ये मेरे पास बता रहा है कि कोई ना कोई एरर अक्कर हुई है। तो जहां जहां पे कोई ना कोई एरर अक्कर हुई है उसको आप कंसीडर कर लो, तो ये तो एरर डिटेक्ट हो गया। अब करेक्ट करने के लिए देखो, R1 जब आपने कैलकुलेट किया तो यानी गड़बड़ आई, तो गड़बड़ को आप क्या लिख लो, 1 लिख लो, गड़बड़ मतलब आपने 1 लिख लिया। ऐसे जब आप R2 कैलकुलेट करोगे, करके देखना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आएगी, क्योंकि 9th उसमें आया ही नहीं,
तो उसको आप जीरो लिख लो। ऐसे ही आर फोर को जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैरिटी बिल्कुल सही आएगी क्योंकि उसमें नाइन्थ बिट आई नहीं। ऐसे ही आर एट जब कैलकुलेट करोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसमें भी नाइन है, तो यानी जब प्रॉब्लम आई तो उसको क्या लिख लो, वन। तो जब आपने आर एट आर फोर आर टू और आर वन इस तरीके से करोगे तो ये देखो ये आंसर क्या आएगा, नाइन आएगा। इसको जब आप डेसिमल में करोगे नाइन आएगा, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि नाइन्थ बिट में कोई ना कोई एरर आई है। तो नाइन्थ बिट में एरर क्या आई है, वन है। तो यानी आप इसको क्या कर दो, वन को जीरो कर दो, क्योंकि वन को आप जीरो कर दोगे, वन को जीरो ही करोगे, या तो जीरो को वन करोगे या वन को जीरो। तो वन ऑलरेडी मेरे पास आ गया, रिसीवर ने वन देखा, अब उसने कैलकुलेट किया कि यार नाइन्थ बिट में प्रॉब्लम है, तो वो वन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो यानी ये मेरा एरर करेक्ट भी हो गया। तो इस तरीके से हम एरर को डिटेक्ट और करेक्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये आपके पास पूरा का पूरा जो है वो एरर कंट्रोल डेटा लिंक लेयर में हम किस तरीके से करते हैं, सारी की सारी जो है वो कहानी इससे रिलेटेड। थैंक यू।